अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी तो हम मौजूद हैं फोनेमिक राइम की क्लास में, और आज फोनेमिक राइम की क्लास में हमने क्या काम करना है भाई? हमने एक और बुक का पेज कंप्लीट करना है, एक और एक्सरसाइज, कुछ नई इंटरेस्टिंग सा काम हमें करना है। ठीक है, तो आप तो पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनाई थी, आपको याद है वो स्टोरी? याद नहीं है, भूल गए हैं? चले मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती हूँ कि उस स्टोरी में था क्या। उसमें अहमद थे, याद आ रहा है? अहमद थे, आउल मौजूद थी उस स्टोरी में, और पता है उसमें क्या हुआ था उस कहानी में, उस स्टोरी में? अहमद की जो मदर थी वो कुछ रेस्ट कर रही थी। क्यों? बिकॉज शी इज़ फीलिंग सिक, वो कुछ बीमार थी तो वो रेस्ट कर रही थी। अब अहमद जो है वो स्कूल वैन का वेट कर रहे थे, और क्या था कि आउल ने कहा कि आपको जाने से पहले एग फ्राई एग ज़रूर खाना चाहिए, है ना? अब फिर आउल ने क्या किया, पैन में अहमद को एग फ्राई करके दिया, याद आ रहा है आपको? और फिर अहमद ने वो फ्राई एग खाया, और फिर उन्होंने टर्न ऑफ द फैन को टर्न ऑफ किया, और फिर अपनी उनकी वैन आ गई थी, और फिर वो अपनी वैन की तरफ चले गए। याद आई ये स्टोरी आपको? अब याद आ गई होगी, ठीक है ना? तो चलें, आज हम फिर जो काम करने वाले हैं उसके लिए पता है आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप अपनी बुक का पेज नंबर 11 जल्दी से ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, सब ने ओपन कर लिया। अच्छा जी, अब देखिए हम पेज नंबर 11 पे क्या काम है। पेज नंबर 11 पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? अच्छा जी, पेज नंबर 11 हमारा है, लेकिन आपको पता है ना, सबसे पहले जब हम पेज पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आती है हमारी डेट। तो जल्दी से डेट मेंशन कीजिए, या मम्मा से कहिए कि यहाँ पे डेट लिख दें, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे आइकन्स। अब आइकन्स क्या हैं? इस पेज पे हमारे पास कितने आइकन्स मौजूद हैं? दो आइकन। हेयर वी हैव टू आइकन्स ऑन दिस पेज, रीड एंड कलर। यस, रीड एंड कलर, वेरी गुड। इसका क्या मतलब है कि इसे पेज पे हमें कितने काम करने हैं, कितनी एक्टिविटीज़ करनी है? हेयर वी हैव टू वर्क ऑन दिस पेज, रीड एंड कलर। तो चले हम रीड करते हैं सबसे पहले। पिक्चर किस चीज़ की है, क्या लिखा हुआ है? अरे वाह, ये तो हम रीडिंग करेंगे तो हमें ये सारे वर्ड्स पढ़ना आ जाएंगे, ये तो बहुत ही मज़ा आएगा फिर कि हम इतनी सारी रीडिंग सीख जाएंगे। अच्छा जी, तो ये किस चीज़ की पिक्चर है? यस, दिस इज फैन, गुड, फैन, वेरी गुड, फैन, वेरी गुड। अच्छा जी, दिस इज रैन, इस पिक्चर में लग रहा है ना एक बॉय है और वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। दिस इज रैन, गुड, रैन, वेरी गुड, रैन, वेरी गुड। अच्छा, और क्या मौजूद है? दिस इज पैन, यस, दिस इज पैन, गुड, पैन, गुड। और पैन स्टोरी में किसके हाथ में था? आउल के हाथ में था, और आउल ने पैन में क्या किया था? अहमद को एग फ्राई करके दिया था, बिल्कुल ठीक। दिस इज पैन, गुड। अच्छा, ये क्या है? दिस इज वैन, वेरी गुड, दिस इज वैन, गुड, दिस इज वैन, गुड। और ये किसकी वैन है? ये अहमद की स्कूल वैन है, इसी वैन का अहमद वेट कर रहे थे, याद है ना आपको स्टोरी में? और फिर जब वैन आई थी, वैन ने बीप बीप हॉर्न दिया था, तो अहमद ने फैन को टर्न ऑफ किया था और जल्दी से अपनी वैन की तरफ चले गए थे, ठीक है? तो हमने देखा यहाँ पे किस किस चीज़ की पिक्चर मौजूद है, फैन, गुड, रैन, वेरी गुड, पैन, वेरी गुड, वैन, गुड। चले अब आप मुझे बताएं, वेयर इज वैन, वैन कहाँ पर है? इज दिस वैन? नो, दिस इज वैन, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताइए कि वेयर इज पैन, पैन कहाँ है? क्या ये पैन है? नो, क्या ये पैन है? नो, ओ यस, हेयर इट इज, दिस इज पैन, गुड, दिस इज पैन, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वेयर इज़ फैन,
फैन कहाँ पर है? क्या ये फैन है? नो. ये फैन है? नो. ओ ये है, बिल्कुल ठीक. हेयर इट इज, दिस इज फैन. वेरी गुड. एंड वेयर इज रैन? रैन कहाँ है? क्या ये रैन है? नहीं. ये रैन है? नहीं भाई, ये भी नहीं है. फिर ओ हेयर इट इज, दिस इज रैन. वेरी गुड, दिस इज रैन. वेरी गुड. अच्छा, अब एक सवाल और है मेरा आपसे, छोटा सा, वो भी पूछ लूँ आपसे? चले फिर जल्दी जल्दी आप उसका भी जवाब देंगे, ठीक है ना? मैं यहाँ पूछ रही हूँ, आप वहाँ से आंसर देते रहिएगा. वॉट इज दिस? क्या कहा आपने? गुड, वेरी गुड. फैन, गुड. वॉट इज दिस? फैन. वेरी गुड, फैन. अच्छा जी, वॉट इज दिस? रैन. गुड. वॉट इज दिस? रैन. गुड. वॉट इज दिस? रैन. वेरी गुड. वॉट इज दिस? पैन. वेरी गुड. वॉट इज दिस? पैन. गुड. वॉट इज दिस? पैन. वेरी गुड. एंड हियर वॉट इज दिस? वैन. गुड. वॉट इज दिस? वैन. वेरी गुड. वॉट इज दिस? वैन. गुड. अच्छा जी, तो हमने क्या किया, हमने इन तमाम वर्ड्स की बहुत अच्छे से रीडिंग भी कर ली, और मुझे लगता है आपको इन वर्ड्स की पहचान भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है. ऐसे ही है. अब इस पेज पे एक और काम है, वो क्या है? कौन सा आइकन था हमारा एक और? कलर का. इसका मतलब है इस पेज पे एक और काम बाकी है, कलरिंग की एक्टिविटी. और कलरिंग में तो हमें बहुत ही मज़ा आता है, तो आप जल्दी से इन तमाम पिक्चर्स में कलरिंग कंप्लीट कीजिए. और याद रखिएगा, कलर्स हम कैसे करते हैं? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये मत भूलिएगा. और कलरिंग अच्छी से फिनिश कीजिए, उसके बाद अपने इस पेपर की, इस काम की, इस टास्क की पिक्चर जो है आप अपने टीचर को सेंड करें, ठीक है? और फिर हो सकता है आपके टीचर इन पिक्चर्स के बारे में आपसे पूछेंगी भी, तो आप एक वॉइस रिकॉर्ड करके इन तमाम को रीड करते हुए एक वॉइस रिकॉर्ड करें और अपने टीचर को वो भी भेज दें, ताकि आपके टीचर को पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी रीडिंग करने लगे, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज.